एरिथमेटिक मैथमेटिक्स टॉपिक चला एवरेज का वीडियो नंबर है 12। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है कि प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत तथा प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत का अंतर ज्ञात करना तथा माइनस प्रथम पांच प्राकृतिक संख्या का वर्ग का औसत। ठीक है, प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। घनों का और वर्गों का औसत हमें ज्ञात करना है। प्रथम पांच प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत और वर्गों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहली पांच प्राकृतिक संख्या लेते हैं। 1 की घात 3 प्लस घन हो जाएगा 2 की घात 3, 3 की घात 3, 4 की घात 3 एंड 5 की घात 3 अपॉन 5 संख्याएँ अपॉन 5। यह हो गया घनों का औसत। अब वर्गों का औसत, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2 एंड 5 की घात 2 बटे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं। एक तो होता है सिग्मा एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन एंड 2n+1 अपॉन 6। ठीक है, यहाँ पे n का मान 5 है, 5 बदल कर चल रहा, तो सिग्मा 5 का n की जगह यहाँ पे 5 रख दें, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 तक का है, 10 तक, 1000 तक, कुछ भी हो सकता था। और एक होता है घनों का वर्ग सिग्मा एन क्यूब, यह होता है सिग्मा एन का स्क्वायर। सिग्मा एन होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले मैंने दोनों की दोनों पास में रख दिए। एन बराबर 5 रखेंगे, 5 पदों तक है, तो एन की जगह 5, 5 प्लस 1 एंड 2 इंटू 5 प्लस का 1 अपॉन 6, तो 5, 5 और 1 6, 5 दून 10 और 1 11 बटे 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, 5 और 11, 11 पंच 55। ऐसे इसमें n की जगह 5 रखेंगे, 5 और 1 6 बटे 2 की घात 2, तो 5 इंटू 6 बाई 2 का वर्ग, 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। तो बराबर हो जाएगा ये घनों का वर्ग, यह हो गया 225 माइनस, ठीक है, वर्गों में आया है 55। ठीक है, तो घनों में 225 आया है और हाँ, अभी तो हमने केवल ये लिया, अपॉन में 5 भी था, इसने का मान निकाला अपॉन 5, 225 बटे 5 और इसके अपॉन में भी 5 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और 2 बचे 5 पंचे 25, 5 से काटेंगे 11, घटाने के बाद आंसर आ जाएगा 4 एंड 3, 30 और 4 34, इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है। क्वेश्चन नंबर 2, 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70, इनमें से 6 संख्याएं, इनमें से जो 6 संख्याएं हैं वो हैं हमारी 32, 69, 72, 65, 79 एंड 48। तो 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 6 संख्या इनमें दे रखी है, 7वीं संख्या में ज्ञात करनी। 7वीं में x मान लेता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
अब बात आती है इनका औसत, ये कौन सी संख्या है, सातवीं संख्या है। औसत बराबर है इनका योग, इनका योग ठीक है, 72, 65, 79, 48 + x / 7 बराबर कितना है औसत 70 था। यहाँ हम x का मान निकालना है, इन सबको जोड़ेंगे, सात की मल्टीप्लाइंग यहाँ हो जाएगी, ये जुड़ जाएगा, 9 2 11 11 2 13 13 5 8 18 18 और 9 18 2 20 27 27 और 8 27 8 35 का 5 16 3 3 6 6 12 12 7 19 19 और 6 19 और 6 हो गया हमारा 25 25 और 7 25 और 7 32 32 और 4 32 और 4 36 + x अपॉन 7 बराबर 70। तो ये हो जाएगा 365 + x = 7 × 70 और 365 + x = 7 × 4 490। तो x = 490 -365, इसको 490 में 365 घटा लेंगे, 10 में से 5 घटाएगा 5, यहाँ बचा 8, 8 में 6 गया 2 और 4 में 3 गया 1। तो x का मान आ गया 125 यानी कि 125 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है तीन संख्याएं जिनमें से पहली संख्या दूसरी का औसत, पहली संख्या और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 20 अधिक है। तीन संख्याएं मान लेते हैं, तीन संख्या एक ए है, बी है, सी है ठीक है। उसमें कहा पहली और दूसरी का औसत, पहली और दूसरी का औसत दूसरी तथा तीसरी के औसत से 20 अधिक है, दूसरी और तीसरी के औसत से 20 अधिक है, ये शर्त दे रखी है। पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 20 ज़्यादा है, 20 अधिक है। पहली और तीसरी के बीच का अंतर ज्ञात करो, पहली और तीसरी का अंतर यानी a माइनस सी या सी माइनस ए, इनका डिफरेंस लेना है, जो उनसे भी बड़ी होगी बड़ी में से छोटी घटा देंगे ठीक है ना। यानी कि a और c का हमें डिफरेंस बताना है कि इनका डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं को इस तरह से b का मान कटिंग करेंगे, a प्लस का b बटे 2, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, b प्लस सी प्लस बी दोनों 40 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, a प्लस बी बराबर b प्लस सी प्लस 40, यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर सी प्लस 40 और ए माइनस सी बराबर 40, पहली और तीसरी का अंतर 40 है, यानी कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या सी है, जो तीसरी संख्या सी है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा इस वीडियो का। तीन संख्याएं ए और बी, तीन संख्या दे रखा ए बी सी, चार संख्या है ए बी सी डी ठीक है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी चार संख्या है, ए और बी, बी और सी एंड सी और डी का औसत, ए बी का औसत दिया ए प्लस बी बटे 2 9 दिया है, बी और सी का औसत बी प्लस सी बटे 2 6 दिया है, सी और डी का औसत सी प्लस डी बटे 2 4 दिया है। ए और डी का औसत ज्ञात करना है, ए प्लस डी हमें क्या चाहिए, ए प्लस डी बटे 2, ए और डी का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्व करने का प्रयास करेंगे, यानी कि ए प्लस बी बराबर 2 × 9, ए प्लस बी बराबर 2 × 18 एंड बी प्लस सी बराबर 2 × 6 = 12, बी प्लस सी बराबर 12 एंड सी प्लस डी बराबर 2 × 4, तो C प्लस डी बराबर 8। हमें A और D निकालना
ठीक है, यानी कि सी का मान कहीं ना कहीं को रख दिया जाएगा। इन दोनों को अगर हम सॉल्विंग करते हैं, ए बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, ए प्लस बी बराबर 18, समीकरण एक मानेंगे, इसे समीकरण दो, इसे समीकरण तीन। अब करते हैं समीकरण एक माइनस समीकरण दो से, समीकरण एक में से दो घटा देंगे, ए प्लस बी बराबर 18 एंड बी प्लस सी बराबर 12 घटाएंगे, तो ये माइनस बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी बराबर 18 में से 12 में 6, तो ए माइनस सी बराबर 6। ऐसे ही दो में से तीन घटा देंगे, समीकरण दो माइनस समीकरण तीन से, तो बी प्लस सी बराबर 12 एंड सी प्लस डी बराबर 8 घटाते हैं। घटाने पर सी कैंसिल हो जाएगा और बी रह जाएगा, हमें क्या करना है, एक बारह का सी रह जाएगा, सी का मान यहाँ से इधर उधर रख देंगे, नहीं तो बी बी कट नहीं हो रहा है, हमें बी भी कट करना है, बी का मान नेगलेक्टिंग करना है किसी तरह से। हमने यहाँ बी काटा था, ए माइनस सी आया था, तो हमें बनाना है ए माइनस डी और ए प्लस डी, सॉरी ए और डी, तो ए प्लस डी बनाने के लिए यहाँ सी कटेगा, बी माइनस डी बनेगा, बी माइनस डी से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, बी माइनस डी बनेगा, तो बी का मान यहाँ रख देंगे, डी का बी का मान डी के टर्म में आ जाएगा, सी का मान ए के टर्म में आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और कुछ नहीं, या एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, घटाने से जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मैं मानता हूँ इसे जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे तो हमारे दो फायदे होंगे, समीकरण एक दो तीन को जोड़ने पर, इन्हें जोड़ देते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस डी, 18 12 8। तो B प्लस सी जहाँ पे है उसे 12 रख देंगे, और एक B और C, B प्लस सी एक और हो गया, A प्लस डी, A और D को अलग कर लेंगे, B प्लस सी दो हो गए, 18 18 12 8 20 20 और 12 30 8 38, A प्लस डी प्लस 2, B प्लस सी का मान 12 है, देखो अब ये आसान हो गया, तो A प्लस डी प्लस 12 तो 24 बराबर 38, तो ए प्लस डी बराबर 38 माइनस 24 घटाएंगे, 4 8 1, ए प्लस डी बराबर 14। हमें चाहिए था ए प्लस डी का औसत, यानी कि 14/2 बराबर 7, ए प्लस डी / 2 बराबर 7 आ गया।